नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीयू अपडेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई से निकल के बड़ी खबर आ रही है दुकानों के लेके, मुंबई लोकल ट्रेन के लेके। वहीं बात करेंगे इस वीडियो में तौकते तूफान ने क्या क्या कोहराम मचा रखा है। इससे पहले आइए जानते हैं महाराष्ट्र में कोरोना का करंट स्टेटस क्या है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में नए केसेस 34,389 है, वहीं एक दिन में मरने वाले की संख्या 974 है। टोटल डेथ अब तक राज्य में 81,486 हो गए हैं। टोटल संक्रमित की संख्या 3,78,452 है। अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई के। मुंबई में पिछले 24 घंटे में नए केसेस हैं 1535, वहीं मरने वाले की पिछले 24 घंटों में 60 लोग हैं। टोटल डेथ दोस्तों अब तक शहर में 14,224 पहुंच गई है। वहीं एक दिन में ठीक होने वाली की संख्या 2438 है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दुकानों के लेके, मुंबई लोकल ट्रेन के लेके और ये उग्रवादी तूफान ताउते के लेके। तो बात करते हैं दुकानों के लेके। दोस्तों कोरोना का वायरस में लगातार कमी पाई जा रही है, बहुत ही खुशखबरी आ रही है। हालांकि पहले ही छोटी दुकानों को अनुमति मिल चुकी है उन इलाकों में जहां पे कोरोना के केसेस बेहद कम पाए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों बड़ी दुकानों को भी अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि कोरोना के केसेस में लगातार कमी पाई जा रही है। कोरोना केसेस रहेंगे ही नहीं तो लॉकडाउन लगाने का मतलब ही क्या है। तो बहुत ही जल्द उद्धव सरकार लॉकडाउन 31 मई से पहले भी फैसला सुना सकते हैं दुकानों के लेके। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, ऐसे में आम पब्लिक को 31 मई तक लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोकल ट्रेन से कोरोना वायरस होने के सबसे ज़्यादा संभावना रहते हैं। दोस्तों कोरोना केसेस मुंबई में लगातार कम पाए जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं है कि कोरोना बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों आम पब्लिक को अभी भी लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं मिल रही है। वहीं एसेंशियल सर्विस वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, जिनके पास आईडी कार्ड है ऑथेंटिक गवर्नमेंट के थ्रू प्रमाणिक है, वो लोग यात्रा कर पा रहे हैं। अब बात करें दोस्तों ताउते तूफान को लेकर। ताउते तूफान कल से ही महाराष्ट्र मुंबई में उग्र रूप धारण कर लिए, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी हैं। वहीं जो तटीय इलाकों पर कोरोना सेंटर बने थे, वहाँ के कोरोना पेशेंट उठा के सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहीं ताउते तूफान की वजह से सड़कों पर पानी आ गया है, बसों को रोक दिया गया है और लोकल ट्रेन को स्थगित रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों बात करें मुंबई के झोपड़पट्टियों के, तो वहां के पतरा तहस नहस हो गया है, लोग बेघर हो गए हैं। वहीं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, टाइम टेबल बदल दिया गया है और रूट भी चेंज कर दिया गया है। ये था दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई की अब तक की लेटेस्ट खबरें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले महाराष्ट्र मुंबई की लेटेस्ट खबरें क्या है। दोस्तों कोशिश करिए घर में रहने की, इस टाइम तूफान भी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, दोनों चल रहा है। ऐसे में घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जब भी बाहर निकले मास्क और सैनिटाइजर के साथ में। थैंक यू।